हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कालासर में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये देखिए मारुति इको है और इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। देखो ये स्टीयरिंग जैसे ही मैं छोड़ूंगा देखो कैसे करेगी, हिल रही है, यूं यूं कर रही है ये। और जैसे छोड़ देते हैं ये देखिए इधर तिरछी भागने लग जाती। अब फिर वापस करो सही। अब देखो फिर से देखो, ये देखो यूं यूं कर रही है पूरी स्टीयरिंग। ये देखो जितनी तेज़ उतनी तेज़, यानी ये यूँ 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 कर रही है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर आ रही है स्टीयरिंग। और जैसे स्टीयरिंग छोड़ देते हैं तो एक साइड भाग रही है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो आपको दिखाते हैं देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, पूरा सस्पेंशन होता है, क्या क्या काम होता है, वो आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। और दचको में भी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं मैं दचको वाली रोड पर। ये देखिए दोस्तों काफ़ी भयंकर ख़त्म रोड पर ले आए हैं और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। देखो पूरा आगे से सस्पेंशन भयंकर तरीके से बोल रहा है इसका, यानी पूरा ख़त्म। ये देखो बहुत ही भयंकर ख़राब रोड पे ले आए हम और गाड़ी इतनी आवाज़ कर रही है कि मान लो चलाना ही मुश्किल हो गया। तो ये भी आपको सुना दी। अब चलते हैं हम और फिर दिखाते हैं आपको करके, ठीक है। ये देख ली आवाज़ सुनी ली आपने कितनी भयंकर आवाज़ कर रही है। अब इसका काम करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या लगता है और किस चीज़ों से कितना खर्चे पे गाड़ी ठीक होती है। देखिए गाड़ी दुकान पे ले आए हैं और ये एक स्कूल की गाड़ी है। अब हमने जेक लगा लिया है, टायर खोल लिए हैं। अब आपको भी प्रॉब्लम दिखाते हैं। पहले देखो ये जो गाड़ी बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है खड्डों में, प्लस पॉइंट है इस गाड़ी को, जिस मान ली स्टीयरिंग छोड़ दें तो एक साइड बहुत तेज़ी से भागती है और यानी स्टीयरिंग यूँ 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 हिल रही है। तो देखो आपको मैं एक एक कमी दिखाता हूँ आपको और फिर टोटल खर्चा क्या बैठता है वो भी आपको पूरा बताऊँगा रियल। देखो पहले तो लिंकेज देखो, ये लिंकेज ये ख़त्म हो चुके हैं इसके, है ना। और सबसे मेन देखिए आप, देखो शोकर देखना आप, ये देखो ऊपर नीचे भाग रहा है शोकर। चलो मैं अंदर से भी दिखाता हूँ, लड़का बुलाता हूँ कोई। रूजा मैं कहूँ जब है ना, हाँ चला। ये देखो दोस्तों धीरे धीरे, ये देखो ये शोकर में चाल हो रही है, मतलब कि यानी बिल्कुल ही ख़त्म है इसके माउंटिंग उठ के। अब इससे क्या होता है जब भी अपन दचको में चलते हैं ये गाड़ी रोड पे भगाते हैं ना तो गाड़ी वाइब्रेट करती है, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं होता अब इसमें। अब जैसे मान लीजिए कई जगहों पर क्या होगा, जैसे आपके साथ क्या हो जाएगा कि भैया ये भी सभी हटाना है और रेट भी अनाप शनाप। मैं आपको इसमें पूरी रियल रेट बताऊँ आज और बिल्कुल फिक्स, यानी जो भी अमाउंट बैठेगा ना वो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या खर्चा होएगा इस काम का। चलो करते हैं, पहले खोलते हैं, देखो इसका आराम वगैरह ये सब चेंज करूंगा मैं, देखो क्या क्या नया डालता हूँ सब दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो दोस्तों एक पे इसके आराम ख़त्म है। तो आराम ये देखो ओरिजिनल टेल ब्रोस के, यानी ओरिजिनली लिंकेज है, ओरिजिनल ही आराम है टेल ब्रोस के। कहीं भी पूछ लेना आप इसके बारे में, जो भी वीडियो में देख रहा है ये बहुत बढ़िया ब्रांड आते हैं। तो अभी तो ये डालता हूँ, फिर शोकर हटाऊँगा, फिर शोकर वाले के भेजूँगा, पहले ये डाल देता हूँ। और सारी चीज़ ओरिजिनल डाल रहा हूँ, टेल ब्रोस की डाल रहा हूँ ओरिजिनल। तो ये देखिए दोस्तों ये आराम इसका लगाई दिया, लिंकेज इसकी लगाई दी है और ये बैलेंस आ उठ का भी लगा दिया, लेकिन शोकर बाद में मैं इसलिए खोलता हूँ दोस्तों क्योंकि क्या ये लटकता रह जाता है और इससे क्या ये पाइप टूट जाता है। अगर सारी चीज़ें एक साथ खोलते हैं तो ये लटकता है, फिर ये पाइप ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं खोलता। अब ये शोकर खोला है, देखो मैंने अभी शोकर की कंडीशन देखो दोस्तों, ये देखो बिल्कुल ख़त्म पड़ी है कंडीशन, यहाँ तक कि इसकी प्लेट भी टूट चुकी है, देख लो ये आप खुद देख लो, बहुत बुरी कंडीशन है दोस्तों, बहुत बेकार। ये देखो अब जैसे अपन देखते हैं ना, देखो ये गैप है ना, ये गैप जैसे इतना रहता है ना, देखो इतना शोकर में, तब तो ठीक है। अगर इतना गैप हो जाए ना देखो इसके बीच में ये गुटका वगैरह, तो समझ लो अपन के शोकर की बाटी ख़राब हो चुकी। अब इसका पूरा किट चेंज कराऊँगा और फिर देखना कितनी प्यारी गाड़ी चलेगी ये, और जो भी खर्चा होगा ना वो आपको पूरा बताऊंगा क्लियर। तो चलो फिलहाल मैं इसे ये करवा देता हूँ, दोनों शोकर खुलवा दिए, काम हो रहा है, दोनों में किट डल रहे हैं, पूरा किट डलवा रहे हैं, हाफ नहीं डलवा रहे हैं, मतलब फुल किट डलवा रहे हैं। दोस्तों दोनों के अंदर गुटगुट के डल चुका है, देखो ये प्लेट भी इसकी टूट रही थी जो मैंने वेल्डिंग करा दी है बढ़िया मजबूत, दोनों शोकर कंप्लीट होकर आ गए हैं, अब इन्हें लगाना है बस। तो अब इन्हें लगा देता हूँ फिर वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों इसके डिस्प्ले भी चेंज कर रहे हैं, ये भी हम ले आए हैं TVS अपाचे ड्यूरा, बहुत बढ़िया आते हैं ये।
अच्छा लेदर आता है, मतलब इनका लेदर काफ़ी अच्छा आता है इनका। तो चलो ये भी डाल देते हैं। इसके देखिए शोकर गुटके भी पूरा कंप्लीट चेंज करवा दिया, पूरा किट यानी शोकर का पूरा, यानी बेयरिंग वगैरह, गुटके वगैरह, माउंटिंग वगैरह सब चेंज करवा दिया। अब ये सारा काम करवा दिया है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये होता है सस्पेंशन का काम। अब जैसे कि मान लीजिए इसके वॉल जॉइंट ये एंड, अब ये देखिए कट ही नहीं रहा कोई सा भी, ये देखिए खूब हिला लिया मैंने, 1% पिले नहीं है, तो ये ठीक है। इसका मतलब इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी कमी है वो मैंने पूरी कर दी है। अब इस गाड़ी में आपको दिखाऊंगा चलाकर, जो आपने पहले आवाज़ देखी थी और अब आवाज़ देखना कितना फ़र्क आ गया होगा, आप खुद देखना। और टोटल जो भी खर्चा है ना ये सारा सामान का, मैं आपको पूरा बता दूंगा भाई कितना क्या बैठा है इसमें। तो अभी मैं फिट कर देता हूँ, क्यों कंप्लीट कर दिया दोनों साइड के, अब टायर लगाना है, फिर टेस्ट ड्राइव लेंगे। दोस्तों ये देखिए गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये सारे काम करने से देखो, एक तो है ना गाड़ी बढ़िया चल रही है, और स्टेयरिंग देखो आप बिल्कुल भी नहीं कांप रही। अब 1% यानी यूं कर रही थी ना, वो सब बिल्कुल ख़त्म। अब ये और देखिए भागने भागने का सीन भी बिल्कुल ख़त्म, एक साइड ये देखिए बिल्कुल सीधी चल रही है, चाहे छोड़ के चलाओ देखो। अब ये सारे काम है ना दोस्तों, ये देखिए जो मैंने ये सारे काम किए ना, काफ़ी बहुत ही ईजी काम है। देखो मैं आपको बता दूँ, यानी कि अल्टो का अगर सस्पेंशन करना है तो उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर इको का कर रहे हैं ना तो काफ़ी इजी है। अब इसको दशकों में भी चला के आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ, देखो कितनी कीप क्वाइट हो गई गाड़ी। तो चलो मैं दशकों की रोड पर ले लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम बिल्कुल ख़राब रोड पर आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि गाड़ी में जो नीचे से गड़ गड़ आवाज़ आ रही थी ना, वो कुछ भी नहीं आ रही। अब सिर्फ ये बॉडी के जो फाटक है ना, इनकी आवाज़ आ रही है हल्की हल्की, बाकी गाड़ी में नीचे बिल्कुल एकदम एक कीप क्वाइट हो गया, यानी कस्टमर को मज़ा आ जाएगा। ये तो ये ध्यान रखें दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का काम कराएं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो इसमें सामान का जो खर्चा आया है ना, वो यानी ज़्यादा नहीं आया, इसमें सिर्फ 3000 रुपये का सामान का खर्चा आया है, जो कि आरम आ गए, कैलिबर यानी वो स्टेबलाइजर रोड आ गई, यानी सब आ गई, लिंकेज वगैरह, गुटके वगैरह, यानी सारी चीज़ आ गई। और ये चीज़ें चेंज करने के बाद में, अब देखिए देखिए स्टेयरिंग का वॉल जॉइंट वगैरह ठीक थे तो वो मैंने चेंज नहीं किए हैं, बाकी सिर्फ ये चीज़ें डालने के बाद में शोकर माउंटिंग वगैरह सब डाल दिए, शोकर किट, यानी 3000 रुपये में सामान आया है, ये खर्चा हुआ है गाड़ी में। और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, और ये देखिए अब चलाने में मज़ा भी आ रहा है, और वो यूं बबलिंग कर रही थी वो सब ख़त्म हो गए गाड़ी में अब बिल्कुल। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपनी गाड़ी का काम कराएं, और इन चीज़ों का ध्यान रखें भाई आपको, यानी जो काम करा रहे हैं ना आप, उस वक्त जो पार्ट्स वगैरह है ना वो ओरिजिनल डालना है, ब्रांडेड, और आपको कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आप खुद पार्ट्स खरीद के लाएँ और फिर मैकेनिक से करवाएं, आपको कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ये तो कॉस्टली बनाया दिया जाता है, देखो कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी मैकेनिकल अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेस्ट करूंगा कि आपको किस तरीके से क्या करवाना है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी नॉलेज जो मैकेनिकल जो पब्लिक प्रॉफिट की है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो,